हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के एक टीएमसी स्कूल में खिड़की पर लगे लोहे की ग्रिल को तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। ये चोरी मुमरा देवी रोड टीएमसी स्कूल क्रमांक 113 में हुई है। ये चोरी की घटना हुई है और स्कूल की बदहाली की वजह से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूल के पीछे की तरफ से जो खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर उसके ऊपर लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं, मगर इसमें से कुछ खिड़कियों पर जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो है ही नहीं, और जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इन दरवाजे की हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है, वो सड़ चुके हैं। और इससे भी बदहाली तस्वीर आपको और दिखाते हैं। अब जरा यहाँ की भी तस्वीर आप देख लीजिएगी, यहाँ पर तो कुछ लगा ही नहीं है। ये खिड़की पूरी तरह से खुली हुई है, यहाँ पर ना दरवाज़ा है ना लोहे की ग्रिल लगी है। कोई भी यहाँ पर सीढ़ी लगाकर और आसानी से स्कूल में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दे सकता है। वहीं इस स्कूल में जो चोरी की घटना सामने आई है, वो खिड़की पर जो लोहे का ग्रिल लगा है उसे तोड़कर चोरों ने यहाँ से किताबें चुराई, और दीवार पर लगे LED टीवी को भी इन चोरों ने उतार लिया था, मगर किसी कारणवश जो है ये चोर LED टीवी और कुछ किताबें जो है वो वहाँ पर छोड़कर चले गए। हालांकि कुछ किताबें वो जो है चोर अपने साथ लेकर गए, मगर LED टीवी और कुछ किताबें वहाँ पर ज़मीन पर और ऑटो रिक्शा में कुछ किताबें पड़ी हुई मिली है। यानी कि कुल मिलाकर स्कूल से सिर्फ किताब चोरी हुई है। एक बात और आपको बता दें कि कागजों में इस स्कूल में रात के समय में भी वॉचमैन है जो अपनी ड्यूटी करता है, मगर असल में यहाँ रात के समय में वॉचमैन रहता ही नहीं है, दिन में सिर्फ एक वॉचमैन रहता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुमरा पुलिस में जब शिकायत लेकर स्कूल के प्रिंसिपल सैयद जाहिद अली और एक टीचर पहुंची, तो मुमरा पुलिस में शिकायत के नाम पर सिर्फ अर्जी ली गई। यहां तक कि TMC स्कूल में चोरी की घटना सामने आने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन से कोई भी पुलिसकर्मी वहां निरीक्षण के लिए नहीं गया, और न ही कोई मनपा अधिकारी स्कूल में ये देखने गया कि आखिर इस TMC स्कूल में कैसे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। शिक्षा के मंदिर में बदहाली की वजह से ये चोरी का मामला सामने आया है, और अब आपको सुनाते हैं कि इस TMC स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सैयद जाहिद अली, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कुछ बताया है। जाहिद अली सैयद, यहाँ मुमरा देवी रोड पे जो है हमारी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो है वो 4 स्कूलें चलती हैं, जिसमें से एक स्कूल नंबर 113 जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे चलती है। स्कूल की इमारत के बैक साइड के अंदर जो खिड़की है, उस खिड़की के अंदर से जो है उसको तोड़कर उसकी ग्रिल चोर जो है स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, और यहाँ पर जो सामान रखा था, जैसे हमारा कीमती LED टीवी था जो स्क्रीन से चलता है, वो कीमती एक चीज़ थी, और कुछ किताबें यहाँ पर जो रखी हुई थी बच्चों की, कुछ किताबें जो है वो लेकर बाहर जो है चोरी करके लेकर गए, यहाँ से ले गया। बाकी यहाँ का जो LED जो TV हमारा रखा हुआ था, उसने वो भी कोशिश किया, लेकिन किसी वजह से शायद वो बाहर नहीं निकाल पाया, इसी गहमा गहमी में शायद वो यहाँ से निकल गया, बल्कि ये चोरी करने की कोशिश हुई। हम जो है इसकी चोरी की निंदा भी करते हैं, और ख़ास तौर से हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जो सुरक्षा गार्ड है वो दिन की बजाय रात में भी जो है तैनात रहे, ताकि ऐसी कितने सुरक्षा गार्ड यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर एक्चुअली दिन में 2 सुरक्षा गार्ड है, जो रात में यहाँ पर सुरक्षा गार्ड नहीं है, ही नहीं, बिल्कुल नहीं, सुरक्षा गार्ड नहीं है। और CCTV भी जो है बैक साइड में भी होना चाहिए इमारत के, लेकिन फ्रंट साइड में जो है कैमरे लगे हैं, बैक साइड में कैमरे नहीं होने की वजह से ये घटना जो है कैमरे के अंदर नहीं आ पाई, यानी कि जो LED टीवी थी वो नहीं ले जा पाया, सिर्फ किताबें लेकर गए, किताबें उन्होंने कुछ लेके गए और कुछ बाहर भी छोड़कर चले गए, लेकिन ये ले जाने की उन्होंने कोशिश की,
लेकिन किसी आप लोगों ने कभी मनपा में यहाँ पर सुरक्षा गार्ड के लिए मांगनी नहीं की कि इतना बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, रात में भी कुछ यहाँ पर आ सकते हैं, घटना हो सकती है अगर सुरक्षा गार्ड नहीं रहे तो? सुरक्षा गार्ड है यहाँ पर, दिन में है ना? दिन में है, रात में भी यहाँ पर जो है ऑन पेपर सुरक्षा गार्ड है, ऑन पेपर है, लेकिन जैसे इनकी ड्यूटियाँ जो है कि अदर जगह लगाई गई है। ये कोविड के हॉस्पिटल्स और कुछ जो है प्रभाग समिति के अंदर जहाँ जरूरत थी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब ये एहतियात तौर पे हमारे यहाँ नाइट के अंदर भी गार्ड हो, और हम शासन से भी इसकी मांग करते हैं कि यहाँ पर जो है रात में भी। इस पूरे मामले में आपने मुंब्रा पुलिस में शिकायत वगैरह दर्ज कराई? बिल्कुल, हमने जैसे ही पता चला वैसे अपने दिन में जो है वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाकर जो है वहाँ पर शिकायत भी की और तहरीरी शिकायत भी की कि इसके ऊपर इसकी जांच होना चाहिए और इंक्वायरी भी होना चाहिए। आप देखिए कि चोर कौन थे, क्या थे, इसकी जांच हो। एफआईआर नहीं हुआ क्या? एफआईआर नहीं हो पाई है, उन्होंने सिर्फ हमसे तहरीरी तौर पर लिया, तो हमने अर्जी लिया है, बस अर्जी लिया है हमने, कहा एनसी भी नहीं लिए, नहीं सिर्फ अपने रजिस्टर में नोट कंप्लेंट। तो पुलिस आई कुछ? नहीं, अभी पुलिस भी नहीं आई, नहीं अभी तक कोई वहाँ उनकी तरफ से। यहाँ पर कितना घंटा चोरी हो गया? कितना घंटा समझता हूँ, 24 घंटे। अब तक आपने इस मनपा अधिकारियों को इसके बारे में बताया? मनपा अधिकारियों को आज हमने जो है वो तहरीरी तौर पर, जबानी तौर पर कल ही हमने मनपा के अंदर जो है पहले फोन करके जो है बता दिया गया था हमारे बीट ऑफिसर को भी कि आप जो है ये सब घटना घटी यहाँ पर, और आज हमने राइटिंग में भी जो है वहाँ पर भेज दिया है।